बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, हर चीज़ इंतहाई महंगी हो गई है। इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए सस्ती चीज़ ढूंढ कर लाई हूँ। आज आपको दिखाने जा रही हूँ चूल्हे जो आपको मार्केट से सस्ते मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के रेफरेंस से आएंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं दुकान के अंदर और आपको दिखाती हूँ मैं चूल्हों की वसी रेंज। यहाँ पर मैं ब्लॉक नंबर 4 कचहरी बाजार में नदीम कंवर साहब के पास मौजूद हूँ, उनकी शॉप पर। तो चलिए जानते हैं इनके पास कौन कौन से स्टोव होते हैं, चाइना स्टोव होते हैं या आम गैस पे चलने वाले एलपीजी वाले। तो इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से चूल्हे होते हैं। जी, हमारे पास उस्मानी गैस सेंटर खानेवाल के अंदर तकरीबन आपको तकरीबन हर तरह के चूल्हों की वैरायटी मिल जाती है, लोकल चूल्हों से लेके इम्पोर्टेड चूल्हों तक। ये जो आपके सामने नेटवर्क कंपनी का एक चूल्हा पड़ा है, ये 323 मॉडल है। अच्छा। इसके ऊपर ये देगी फ्रेम लगे हुए हैं और इसका ये फायदा होता है कि इसके ऊपर बर्तन सही टिक जाता है। और अमूमन हमने देखा है कि जो रोटी सेकते हुए उस पर निशान पड़ जाते हैं, इस चाली की वजह से उस पर भी नहीं पड़ते। इसी तरह ये जो है ये ऑटोमेटिक होता है और ऑटो स्टे होता है, बगैर माचिस के ऑन हो जाता है। अच्छा। और इसका सिलेंडर के साथ साथ गैस पे भी बेहतरीन रिजल्ट होता है इसका। अच्छा। और इसी तरह अगर आप देखें ये ब्लू फ्लेम का मॉडल है ये। अच्छा। ये ब्लू फ्लेम कंपनी का है, इसके ऊपर ये जाली सरिया वाली लगी हुई है। जी, कुछ लोगों को ये जाली पसंद होती है। इसी तरह ये भी ऑटोमेटिक स्टोव है, बगैर माचिस के ऑन हो जाता है और अच्छी लाइफ स्पैन इसका है, तकरीबन 10 साल तक इसका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो काम करता रहता है। और हर तरह की सुई गैस पे भी और एलपीजी गैस दोनों पे बेहतरीन रिजल्ट देता है। क्वालिटी वाइज सर ये ज़्यादा बेहतर होता है कि ये जो आपने नीचे आपने कहा है कि उस पर बर्तन अच्छी तरह टिक जाता है, जबकि इसका जो रॉड होता है ये ज़रा पतला होता है। जी बिल्कुल, आपने जो समझा है, ये रॉड सरिये का होता है, ये आग से गर्म भी हो जाता है जी। और गर्म होने से सुर्ख होके इसका जो निशान है वो रोटियों पे लग जाता है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो देगी फ्रेम है, इसकी यही क्वालिटी है कि इसका ये बदली होता है काफ़ी और ये टूटने से भी महफूज रहता है ये जी। इसको हमने नोट किया है कि जितना अर्सा आपके पास चूल्हा रहता है, 20-25 साल चूल्हा रहे, तो ये कभी रिप्लेस करने की या रिपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे खासी मटेरियल के अंदर ये बने होते हैं। तो ये तो है ऑटोमेटिक स्टोव, दूसरा इसके अंदर सादा स्टोव भी होता है। सर, हम नेक्स्ट चूल्हा देखने से पहले मैं अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँगी कि इनकी प्राइस क्या है। जी, ये 6000 रुपए का है। अच्छा। इसके ऊपर देगी जाली लगी हुई है जी, जी। और वो जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था सरिया जाली के अंदर, वो 5000 रुपए का है। तो सर इसमें कोई डिस्काउंट होगा कि जो वीडियो देख के मेरे व्यूवर्स आते हैं उनके लिए कोई आप खास करेंगे? लिए हम 10% स्पेशल डिस्काउंट। वो तो मैं व्यूवर्स को पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका सारे रेट होलसेल रेट हैं और मार्केट से बहुत कम आप कीमत में दे रहे हैं। 10% मजीद डिस्काउंट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूवर्स, अब आपने सुन लिया, आपको 10% कम जो है प्राइस में यहाँ से स्टोव मिलने वाले हैं। इसी तरह ये डबल स्टोव है, सेम इसी तरह के स्टोव सिंगल में भी होते हैं जी जी। अगर आपको डबल के साथ छोटा एक सिंगल स्टोव रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं जी जी। और इसी तरह स्टोव्स के साथ साथ इनकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं, जस्ट लाइक आप ये देखें लाइटर्स हैं, किचन लाइटर्स, सारी वैरायटी हमारे पास होती है। अच्छा। इसमें स्मॉल भी होते हैं, मीडियम भी हैं, ये स्मॉल लाइटर है, ये मीडियम लाइटर है और इसी तरह ये बड़े लाइटर हैं। ये सारे लाइटर्स की वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बड़े कम प्राइस के होते हैं, माचिस से भी कम पड़ जाते हैं ये। माचिसें आजकल आप देख रहे हैं रोज़ाना तकरीबन ख़राब हो जाती हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें तो माचिस से भी कम खर्च पड़ता है। एक ये बहुत ज़बरदस्त लाइटर हमारे पास आया हुआ है, बिल्कुल नई चीज़ है ये। अच्छा। ये देखें इसके अंदर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लाइटर ख़राब होने का कोई चांस नहीं है जी जी। क्योंकि जब भी लाइटर ये आप रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर सिगरेट लाइटर डला हुआ है। अच्छा। उसे आप निकाल के बड़ा आसानी से पेच खोलेंगे। अच्छा। बाहर निकालेंगे, इसमें सिगरेट लाइटर है तो उसी को आप रिफिल करवा लें, कहीं से भी रिफिल हो जाता है और अच्छा। इसके ख़राब होने का बहुत कम चांस है। अच्छा। इसी तरह हमारे पास ये स्पार्कल लाइटर है, ये अमूमन जो लोग एलपीजी पे यूज़ करते हैं चूल्हे, उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। इसका अच्छा खासा लाइफ स्पैन है, ये तकरीबन 2-3 साल चल जाता है। इसमें कोई किसी किस्म का गैस या रीफिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेट चलता रहता है। ये तो जो स्टोव थे वो मैंने आपको दिखाया जो टेबल के ऊपर रखने होते हैं। जी, बहुत से घरों के अंदर, हमारे देहातों के अंदर हमने देखा है
जो हर टेबल के ऊपर रखने की बजाय नीचे रखा जाता है। ये बड़ा खूबसूरत सा स्टोव है, बड़ा स्मार्ट साइज है इसका जी। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी प्राइस पे है, ये 3500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब जहाँ शेल्फ भी लिखा हुआ तीन को अवेलेबल नहीं होता तो उसे टेबल पर भी रख के शेल्फ का काम कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी। और ये बिल्कुल कई जगह पे देखा होता है कि बड़ा उनके घर कुकिंग होता है लेकिन साथ उन्हें छोटा चूल्हा चाहिए होता है तो ये उसके लिए उन्होंने साथ एक चूल्हा। इसकी प्राइस क्या है सर? ये 3500 रुपए का। अच्छा, 3500 का। अच्छा, ये इसी तरह का नीचे रख के इस्तेमाल करने के लिए ये बड़ा स्टोव है जरा, इसके अंदर बड़े बर्नर लगे हुए हैं। ये मार्शल कंपनी का है, फैसलाबाद मेड है और ये तकरीबन 40 साल से कंपनी बना रही है चूल्हे जी। ये तकरीबन 6000 रुपये का है। और इसके बाद में आता हूँ आपको लेके, ये ब्लू फ्लेम का लेटेस्ट मॉडल है, ये ब्लू फ्लेम का। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि जाली ऊपर ही लगी हुई है, इसकी क्वालिटी बाकी जाली की नस्बत सबसे अच्छी है। बड़ा खूबसूरत, मजबूत है, इंतहाई मजबूत है। जहाँ जाली मजबूत है उसी तरह ये चूल्हा भी बहुत ज्यादा मजबूत है। कितना वजन ये बर्दाश्त कर लेता है? दोनों तरफ 40-40 किलो आप वजन रख लें, हमने टेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, बिल्कुल। मतलब आप देग भी इस पे रख सकते हैं? बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, देग रख के भी व्यूअर्स इस पर पकाई जा सकती है, इतना मजबूत चूल्हा है ये। और ये लाइफ टाइम चूल्हे होते हैं, जैसे आपने एक दफा लेना है उसके बाद इंशाल्लाह किसी अगले घर के लिए जरूरत हो तो ले लें आप, उस किचन के लिए दोबारा लेने की जरूरत नहीं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं पेश आएगी। ये जो है इसका जो रंग है ये भी तामचीनी कलर होता है, उतरता भी नहीं है होने से। अच्छा, और खराब भी नहीं होता जी। ये 6500 रुपए का है, बहुत ही मुनासिब रीजनेबल प्राइस है 6500। एक ये है और एक इससे हमने 2 इंच बड़ा एक स्टोव है, वो भी इसी कंपनी का है, ये तकरीबन उसी शेप में है लेकिन उससे भारी और उससे बड़ा है, ये उससे भी ज्यादा भारी है, उससे भी ज्यादा वजनी है और उससे भी ज्यादा, थोड़ा सा 2 इंच लंबाई में भी ज्यादा है और ये उससे भी ज्यादा वेट बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा इसका वेट बर्दाश्त कर लेता है। जबरदस्त जबरदस्त। और इसकी प्राइस क्या है सर? 7500 का है ये। 7500 है। इस तरह ये दामचीनी के अंदर है, यही चूल्हे यही मॉडल हमारे पास स्टील में भी अवेलेबल है। अच्छा, तो दोनों की सेम प्राइस होती है तकरीबन। तो स्टील वाले भी जरा थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखा दीजिए। जैसे आपने वो देखा था कि ये ब्लू फ्लेम के अंदर वो तामचीनी वाला हमने चूल्हा दिखाया था, दोनों तरफ आप 40-40 किलो वजन रख सकते हैं, उसी क्वालिटी के अंदर ये स्टील में है जी। इसकी सेम वही डिस्क्रिप्शन है, वही प्राइस है इसकी, 6500 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये स्टील बॉडी में है। ये स्टील बॉडी तो ये अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी वजन उसी तरह बर्दाश्त कर लेता है। दोनों चादरों की सेम गेज होती है। अच्छा, फर्क ये होता है कि उसके ऊपर कलर किया होता है और इसको कलर की जरूरत नहीं है। सफाई दोनों की ही आसानी से हो जाती है। ठीक है, कोई केमिकल्स वगैरह से साफ किया जाए? आप डिटर्जेंट से साफ कर लें तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है, गीले कपड़े से और डिटर्जेंट से साफ कर लें। ऐसे ही आपने पहले वो मार्शल का ब्लैक कलर का चूल्हा देखा था जी, उसी के अंदर उसका स्टील का मॉडल है जी जी। बड़े बर्नर में है और इसके ऊपर अच्छा खासा आप वजन रख सकते हैं, बड़ा कोई भी बड़ा बर्तन रख के पकाया जा सकता है इजीली। ये 5500 रुपए प्राइस में है। ये सारे वो चूल्हे दिखा रहे हैं जो क्वालिटी में बेमिसाल है, मतलब बहुत ज्यादा वजन भी बर्दाश्त किया जा सकता है। और ज्यादातर ये सुई गैस पे ज्यादा ये बड़े चूल्हे इस्तेमाल होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, उसमें आप वर्किंग आवर ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मुझे याद आया, तो एलपीजी पे भी अगर हम इन्हें चलाना चाहें तो ये चल जाएंगे? जी बिल्कुल, एलपीजी पे जो चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर जेट तब्दील करना होता है। अच्छा। जेट तब्दील करके बिल्कुल जैसा रिजल्ट सुई गैस पे दे रहे होते हैं सेम वैसे ही रिजल्ट एलपीजी पे देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर मैं चाहूंगा आपको कि जो आजकल नए चूल्हे आ रहे हैं जो घर के अंदर फिटिंग के जरिए लगाए जाते हैं जी जी। उनको बिल्ट इन हॉब कहते हैं। ये देखिए हमारे पास इस तरफ ये बिल्ट इन हॉब एक मौजूद है, ये ग्लास में बना हुआ है, ग्रेस कंपनी का है। अच्छा। और इसमें 3 बर्नर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक है और इसी तरह सुई गैस और सिलेंडर दोनों पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये बगैर माचिस के ऑन हो जाता है, इसमें सेल डलता है। अच्छा। सेल से आप इसे बटन को ऑन करेंगे तो खुद ब खुद इसमें आग लग जाएगी और कम और ज्यादा का दोनों का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये स्पेशली मेड हीट टेम्पर्ड ग्लास होता है। अच्छा। जो गर्म होने से खराब नहीं होता। मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि हीट की वजह से, जैसे खवातीन गर्मियों में 2-3 घंटे कुकिंग करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये ग्लास जो है ये ब्रेक हो जाए? मैं यही बात कर रही हूँ, कोई इसकी वारंटी वगैरह भी आप देते हैं? इसमें ग्लास की वारंटी तो नहीं होती, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन हम बताते हैं कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं 1-2-3 घंटा आप कुकिंग करते रहे, इसके ऊपर कुछ ठंडी चीज ना गिरे, ठंडा पानी ना गिर जाए। अच्छा। वो गर्म सर्द होने से ग्लास क्रैक हो जाता है। अच्छा। और क्रैक हो भी जाए तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसका
उसका ग्लास भी नया मिल जाता है। अच्छा। और स्टील का टॉप भी मिल जाता है। जबरदस्त। और ये बर्नर बड़े स्पेशल किस्म के बनाए हुए हैं, डबल फ्लेम होता है इनका। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम गैस के अंदर मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी मिलती है इसके अंदर। ये ग्लास में है, इसी तरह ये हमारे पास स्टील में अवेलेबल है। और इसे ग्रेस वाले ग्लास की प्राइस 15,000 रुपए है। अच्छा। और इसमें ये स्टील के अंदर है, इसके ऊपर ये स्टील का टॉप लगा हुआ है। अच्छा। इसके भी वही फंक्शन है, इसके अंदर भी ऑटोमेटिक है। और ये 10,000 की प्राइस में है। अच्छा, ये 10,000 है इसकी प्राइस। फंक्शन इसका भी वही है, सेम वही चीज है जी, सेम वही है। और सफाई करने में बड़ी आसानी है इसके अंदर। ये आप जालियां उठा लें, नीचे से बिल्कुल एक स्टील टॉप है, इसे आप गीले कपड़े से किसी भी। ये वेट कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये चूल्हे? 30 किलो दोनों साइड पे, एक एक कितना 30 किलो के राउंड अबाउट ये कर लेते हैं वेट, इतना बर्दाश्त कर। तो इसी तरह हमारे पास सिलेंडर की भी तमाम वैरायटी मौजूद होती है। अच्छा। 2 किलो से लेके 10 किलो तक और 12 किलो तक। अच्छा। और खाने वाले शहर के अंदर हमारे पास ये सबसे बड़ी सहूलत ये है कि हमारे पास कंपनी के सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। जी जी। शेल के, सुपर के, फान के, उनकी हम होम डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल होती है कि आप जस्ट एक कॉल करें तो आपके घर पे सिलेंडर पहुंच जाता है। अच्छा। और उसके कोई इजाफी चार्जेस भी नहीं होते। जबरदस्त जबरदस्त। एक नज़र सिलेंडर भी देख लेते हैं हम। हमारे पास सुपर का है, फान का सिलेंडर है, शेल के हैं और पब्लिक फ्यूल का है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि पूरे खानावाल शहर के अंदर आप कहीं से भी जस्ट हमें 0300-7894-634 पे कॉल करें, सिलेंडर आपके घर बगैर किसी इजाफी चार्जेस के पहुंच जाएगा। और ये सहूलत सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दस्तियाब है। मैं आपका नंबर तो वीडियो में दूंगी जो के स्क्रीन पे लगेगा। और इसके अलावा ये छोटे भी सिलेंडर दिखा दीजिए जो आप अक्सर जो है पिकनिक पे जाने के लिए या घर में, क्योंकि गैस की आजकल लोड शेडिंग है तो उस वक्त उसमें इस्तेमाल करने के लिए है कि आप ये छोटा सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 किलो गैस आ जाती है और इसी सिलेंडर के ऊपर स्टोव लग जाता है। अच्छा। ये घर में इस्तेमाल के लिए 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो और 10 किलो की कैपेसिटी के अंदर ये सिलेंडर दस्तियाब हैं। ये घर में बड़े आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं और बड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे 2 किलो का सिलेंडर है, ये इसके ऊपर चूल्हा फिट करके 2,000 रुपये का तकरीबन बनता है ये। इस अच्छा। तरह ये 4 किलो का है, ये 2400 रुपये का बनता है। अच्छा। मतलब इससे अच्छी क्वालिटी में आप जाएंगे, जैसे ये है, ये 4 किलो का ही है लेकिन 4,000 रुपये का है ये। अच्छा। इसकी तरह चादर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बदली किस्म का सिलेंडर बना हुआ है। जी जी। और इसका तकरीबन 10 साल कंपनी की गारंटी है कि 10 साल तक सिलेंडर लीक हो जाए तो हम रिप्लेस करके देंगे। अच्छा, ये मतलब कंपनी का है बकायदा? हाँ, कंपनी का बकायदा। जी जी जी। बाकी भी है तो कंपनी के, लेकिन चूँकि कम प्राइस में लिहाजा उनकी उसी हिसाब से चादर वगैरह वो उसी हिसाब से लगी हुई है प्राइस के साथ। ये जो चूल्हे वगैरह लगे होते हैं इसमें कोई लीकेज वगैरह का खतरा तो नहीं होता? जी बिल्कुल, लीकेज का कोई खतरा नहीं होता है इनको। जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इस्तेमाल करें तो कभी कोई किसी किस्म की उसकी गुंजाइश नहीं है किसी हादसे की। हाँ, ये है कि किसी भी सूरत में अगर आपको गैस की स्मेल महसूस हो, अगर आपको महसूस हो कि कमरे के अंदर से गैस की बू आ रही है, तो फौरी तौर पे ये अपना स्टोव, अपना चूल्हा, अपना सिलेंडर किसी भी मुस्तैद हमारे डीलर को चेक करवाएं और ख़ुद अपने तौर पे इसको ठीक करने से ग्रेज करें, उससे ख़राबी होती है। तो आप जब भी ले आएँगे इंशाल्लाह हमारी वर्किंग टीम आपको अवेलेबल मिलेगी। इसी तरह हमारे पास सर्दियों के अंदर गीज़र भी होते हैं, तो इस वक्त अभी तो क्योंकि ऑफ सीज़न है, इंशाल्लाह उसका माल अभी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और फिर हमारे को होम सर्विसेज की भी सहूलत अवेलेबल होती है कि अपने अगर आपके घर पे स्टोव है, तो बड़ा कुकिंग रेंज है, जो बाहर लेके आना, दुकान पे लेके आना, सर्विस सेंटर पे लेके आना मुश्किल है, तो आपको घर बैठे उसकी होम सर्विस मिल जाती है। इसी तरह हमारे पास बाकी भी जितनी भी अप्लाइंसेज हैं, प्रेशर कुकर, जूसर मशीन, इन सब की बेहतरीन किस्म की मरम्मत की सहूलत हमारे को दस्तियाब है। अच्छा। स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन अवेलेबल हैं और अच्छे कारीगर दस्तियाब हैं कि जो बेहतरीन सर्विस देते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब आपसे कोई चूल्हा लेता है, मतलब अब अगर उसको रिपेयर करवाना चाहता है तो क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं आपके पास? जी, हमारे पास हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा। ना सिर्फ ये कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं बल्कि उनको फिट करने के लिए माहिर कारीगर भी दस्तियाब हैं। अच्छा। और खानेवाल के अंदर ये हमारी वाहिद शॉप है कि हमारे पास जो इवन प्लम्बर हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, उन्होंने भी डिप्लोमे हासिल किए हुए हैं
और जो हमारे पास दो कारीगर जो चूल्हे और गीजर को ठीक करते हैं उन्होंने भी बल्कि लाहौर से इंफिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हासिल कर रखा है माशाल्लाह। इसलिए इंशाल्लाह हमारे पास आपको एक तो जो हमारी सर्विस का मेयार है वो बाकी सब दुकानों से बहुत अच्छा मिलता है। अब मेरे व्यूवर्स कोई आउट ऑफ सिटी हैं देख रहे हैं और आपसे चूल्हा लेना चाह रहे हैं तो मैं आपका नंबर तो स्क्रीन पर दे दूंगी तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप दूसरे शहर में कुरियर की सहूलत है आपके पास? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कार को करवा सकते हैं आप? भी करवा देते हैं, हमारा दराज पे भी स्टोर बना हुआ है, जो छोटी चीजें हैं वो हम दराज के जरिए भी सेल आउट कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप हमें फोन पे ऑर्डर लिखवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में बिल्कुल आसानी से आपको डिलीवरी हो सकती है और बड़ी सेफ डिलीवरी है हमारे पास। जबरदस्त। तो विमल, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप कोई इनसे स्टोव किसी किस्म का भी मंगवाना चाहते हैं, वसी रेंज आपको दिखाई गई है, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो बआसानी आप हासिल कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो मैं इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दूँगी आपको, आपने इन्हें व्हाट्सएप करना है और ये आप बआसानी आप तक जो है कुरियर कर देंगे। जो भी आप इनसे किसी किस्म का, चाहे आप सिलेंडर मंगवाना चाहते हैं, चाहे आप इनसे चूल्हा मंगवाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कि स्पेयर पार्ट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। स्पेयर पार्ट्स हमारे पास हर तरह के होते हैं, सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो चूल्हों के अंदर और सिलेंडरों के अंदर या मुख्तलिफ गैस अप्लाइंसेज में इस्तेमाल होते हैं, तकरीबन सारे गैस अप्लाइंसेज के हमारे पास पार्ट्स सारे अवेलेबल होते हैं। इस तरह ये सिंगल स्टोव हैं जो आपको डबल स्टोव दिखाएं उन्हीं के सिंगल पीसेज हैं। जी जी, ये बड़े बर्नर में बड़ी जाली के अंदर सिंगल स्टोव है, ये 2500 रुपए के है ये। अच्छा। और इस तरह इसमें छोटे भी मिल जाएंगे, इसका बर्नर जरा थोड़ा छोटा है और जाली अच्छा। इसकी छोटी है, ये 2000 रुपए की प्राइस में है। सिर्फ 2000? जी सिर्फ 2000। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह एक ये स्टोव है, ये स्पेशली हमारा एलपीजी पे इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल स्टोव है ये। अच्छा। क्योंकि एलपीजी पे स्टोव कुछ ऐसे स्पेशल हमने बनाए कि जिनके अंदर कम गैस इस्तेमाल हो और आग ज़्यादा आए। अच्छा। तो एक तो इसका बर्नर बिल्कुल बर्तन के करीब होता है जिसकी वजह से हमारी गैस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। ज़ाया नहीं होती। ये बिल्कुल बड़े मुनासिब प्राइस के अंदर, क्योंकि चूल्हे बहुत महंगे हो गए थे, हमने ये स्पेशल एक प्राइस में 1500 रुपये में बनवाया है ये। इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इससे, और ये स्वी गैस भी काबिल इस्तेमाल है, लेकिन एलपीजी भी इसका बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस क्या है सर? ये 1500 का मिल जाएगा, सिर्फ 1500 का। जबरदस्त। चले, जी जी, ये पड़े हैं नीचे, पड़े हुए हैं स्टील वाले भी। सर आप थोड़ा सा सिलेंडर का भी बता दीजिए, आपने कहा कि यहाँ से अवेलेबल है। शहर के अंदर हमारी फ्री होम डिलीवरी है गैस के हवाले से। अच्छा। ये हमारे पास जितनी भी पाकिस्तान कंपनी है सारे सिलेंडर अवेलेबल है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको होलसेल प्राइस में कहां से मिलेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। Peace.